कैसे हो आप लोग दोस्तों, मैं हूं कश्मीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ मेकर सेल्फ यूनिक। गाइस कैसे हो आप लोग दोस्तों, आप लोग इंटरव्यू मिस्टेक सीरीज को बहुत पसंद कर रहे हो, थैंक यू सो मच। आप लोगों को पसंद आ रहा है और आप लोग कमेंट कर रहे हो, साथ ही साथ शेयर भी कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो वीडियो, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब कभी आप किसी कंपनी में जानते हो, कैसे एंटर करते हो। देखो आपका जो पर्सनालिटी है, जो आपका ऑरा है, हर कोई चाहता है कि मेरे कंपनी में ऐसे लोग हों जिसकी एंट्री होते ही थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए, ठीक है, थोड़ा लगे कि नहीं यार यहाँ पर प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं। आपको ये पता है कि अगर सपोज आपकी कंपनी है, आपने कंपनी खोला हुआ, जस्ट रेज्यूम करो, ठीक है, मैं फटा से शर्ट पहन के आ जाऊँ, ठीक है, जनरली क्या बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग्स को वो नहीं इन्हेंस नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत होती है इसलिए बोलना पड़ेगा। तो अगर मैं बहुत गंदा सा शर्ट पहन के आ जाऊँ, ठीक है, और चप्पल पहन के आ जाऊँ, लखानी वाला जो बाथरूम वाला होता है, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? आपने उस लेवल को मेंटेन किया, आपने स्टैंडर्ड किया हुआ है उसको, और मैं उसको स्टैंडर्ड को गिरा रहा हूँ, राइट। ऐसे ही कंपनी भी चाहती है कि कैसे आप बात कर रहे हो, कैसे आप टॉक कर रहे हो, साथ ही साथ कैसे आप बैठे हो, ठीक है, और कैसे आप एंटर करते हो, और किस तरीके से आप हमारी जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको कैसे सुनते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में आती है। अब मिस्टेक्स कहाँ पे होती है ये बताता हूँ। कई ढेर सारे बच्चे हैं जो कि मैंने कई बार इंटरव्यू लिए हुए, तो ऐसा होता है कि वो क्या बोलते हैं, सबसे पहले गेट खोलेंगे, गेट खोलने के बाद सपोज मैं बैठा हूँ इस रूम में और गेट खोलेंगे, अब मैं दिखा नहीं सकता हूँ करके, कभी मौका मिला तो करने की भी कोशिश करूँगा एक्ट पूरा कैसे होता है, बट सपोज मैं इस रूम में बैठा हुआ और सामने से वो बंदा आया और वो गेट को बिना खटखटाए फटाफट अंदर आया, उसके बाद अंदर आके बोलता है मैं कम इन सर, दिस इज़ द नॉट अ मैनर, ठीक है, ये मैनर नहीं है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो हम लोग इस चीज़ को, मतलब जब एमएनसीज की बात करता हूँ तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान दिया जाता है। आपको सबसे पहले जब आना है तो आपको नॉक करना है, और नॉक भी ऐसा नहीं कि कट 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 कट, नहीं, टू टाइम्स नॉक नॉक। कहाँ पर नॉक करना है, अपने नोज के जस्ट सामने नॉक नॉक, ठीक है। नॉक को ऐसे नहीं करना कि ऐसे ऐसे नॉक कर दिया, ऐसे ऐसे नॉक कर दिया, नहीं, उससे आपका कपड़ा भी खराब होगा, आपका लुक भी खराब हो जाएगा। तो आपको नोज के सामने टक टक करना है, टू टाइम्स करना है, उसके बाद सबको पता है कि भाई हम इंटरव्यू लेने के लिए ही बैठे हैं, तो हम बोलेंगे यस कम इन, ठीक है। आप जैसे आते हो वहीं गेट पर पूछो मैं कम इन सर, तो आप बोलना यस, तो आप बोला। अब आते ही कई लोगों मैंने देखा है कि ढेर सारा बैग वगैरह लिए रहेंगे, उनको लगता है मेरे बैग में क्या है, ऐसा बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि खो जाएंगी, और वो बैग लेके आ जाते हैं, फिर उसके बाद कमरे के अंदर आकर सर इधर रख दूँ क्या, ठीक है, ये इंप्रेशन को ख़राब कर दिया। कोशिश करो कि बैग न ले जाना पड़े, अगर बैग ले भी जाते हो उसमें कोई सामान मत रखो, सिंपल बैग रहे, कोई चोरी नहीं करेगा, ठीक है, उसमें से सिर्फ फाइल निकालो। और हाँ, फाइल से याद आया कि एक और मिस्टेक आप लोग करते हो कि रिज्यूम को ऐसे पेपर में लेकर चले जाते हो, ये ऐसे, ठीक है, अब ऐसे लेके जाते हो तो ये अनप्रोफेशनल लगता है, ठीक है। आपको रिज्यूम कैसे ले जाना चाहिए, एक फाइल के अंदर लेके जाना चाहिए रिज्यूम को, सो दैट कि सामने वाले को फील आए कि हम कुछ देख रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ भाई। सीधे सीधे आप रिज्यूम का मतलब समझते हो, रिज्यूम का मतलब ये आप हो, आप बता, ये रिज्यूम बताता है कि आप कितने स्ट्रांग मैन हो, क्या आपने लाइफ में अचीव किया है, पूरा लाइफ का जो रिजल्ट है इसी रिज्यूम में तो है। इतनी बड़ी चीज़ को तो आप ऐसे दे रहे हो, ठीक है। कई के लोग तो सब्जी वब्जी भी गिराए रहते हैं, आप सबको पता है इस चीज़ के बारे में, तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आप हो। और आप किसी को पेश करोगे तो आपने देखा होगा ना, टपरी में जो चाय मिलती है और साथ ही जो ताज होटल में मिलती है, क्या अंतर रहता है, प्रेजेंट कैसे करते हो, इसीलिए उसके प्राइस का फर्क इतना ज़्यादा रहता है। तो प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा वेल मैनर्स में फाइल के साथ प्रेजेंट करिए, उसके साथ में ये बैग आपको लेके अंदर नहीं जाना है, बाहर ही जहाँ पर भी आपको सिटिंग एरिया मिला है ना, उसी सिटिंग एरिया पर बैग को छोड़ दो। बैग में ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो भी महंगी चीज़ है आप जेब में रख लो ना, क्या दिक्कत है। चलिए उसके बाद आते हैं, तुरंत क्या करने लगते हैं, जो अपनी चेयर होती है उसको पीछे करके बैठने लगते हैं लोग बिना किसी परमिशन के, डोंट डू दिस, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जस्ट आना है, मेक अ मीन सर करके आप सामने खड़े हो गए, डेफिनेटली सामने वाला समझदार है, वो आपको बोलेगा सिट हियर, ओके ओके। जैसे आपको सिट हियर बोलता है तो आपको बोलना है थैंक यू, और चेयर को पीछे करके आराम से बैठना है। अब बैठते टाइम कई लोग ऐसे हो जाएंगे, यस सर, ठीक है, कई लोग ऐसे कि मतलब एकदम से ऐसे करके, मतलब उनको समझ में आ गया बड़ा लेजी आदमी है, ठीक है, ऐसे करता है। और कई लोग क्या करते हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, बट एक पैर के ऊपर ऐसे दूसरा पैर करके बैठ जाते हैं, वो भी गलत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना। तो कैसे बैठना है, आराम से आपको चेयर पर बैठना है और कुछ इस तरीके से बैठना है, ठीक है। इस तरह से बैठते हो तो समझ जाता है कि भाई सबसे पहली बात तो इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सही तरीके से, मतलब ये फिट आदमी है ना, ये सही तरीके से आंसर भी कर पाएगा, और साथ ही साथ आंसर्स में आपको अपने लाइक हाथ्स को भी यूज करना है आंसर करते टाइम, ठीक है। ये नहीं कैसे ऐसे बैठे हो, ये मतलब ऐसे ना हो जाओ एकदम
स्टैचू बन जाए, स्टैचू नहीं बनना है, एक्सप्रेस करने के लिए हाथ को यूज करो, ये बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। तो हाथ को यूज कर सकते हो और कुछ इस तरीके से स्ट्रेट बैठने की कोशिश करो, चलिए। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू देने के बाद इंटरव्यूअर आपको आपसे हाथ मिलाता है, उसको मजा आता है, ठीक है। हाथ मिलाता है उस टाइम पे आप हाथ ऐसे मिलाते हो, मतलब ऐसे हल्का सा, ऐसे नहीं होगा, हाथ एकदम बढ़िया से मिलाना है, उसको फील होना चाहिए कि हमने आपसे हाथ मिलाया, ये बंदे में थोड़े से दम है। अब दम मतलब वो ऐसे नहीं कैसे करने लगो, दम मतलब लगना चाहिए कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है। लड़कियों को तरह हाथ नहीं मिलाना है, अब लड़कियां इससे अफेंस नहीं होंगी, लड़कियों को मतलब लड़कियां नॉर्मल तरीके से हाथ मिलाती है, लड़कों को थोड़ा सा अच्छे से आपको सेक करना है हाथ को, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और साथ ही साथ जब जाने लगे तो थैंक यू सो मच जरूर बोलिए। क्यों थैंक यू बोलिए? क्योंकि इंटरव्यू के लिए उसने टाइम दिया आपको, उसके टाइम का कुछ ना कुछ तो कीमत होगा ना। जैसे आप उसको थैंक यू बोलते हो या फिर बोलते हो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, ठीक है। अब थोड़ी बहुत निगेटिविटी भी जो इंटरव्यू में थोड़ा बहुत लफड़ा किए होगे ना, वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट, यार बंदा अच्छा था, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा इन्हेंस करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, खासतौर से एचआर में भी, टेक्निकल में भी करते हो तो वेल एंड गुड, कोई बुराई नहीं है। टेक्निकल में भी इस बॉडी लैंग्वेज का बहुत आपको यूज में आने वाला है। उसके बाद जब आप इंटरव्यू वगैरह दे लेते हो, कई बार ऐसा होता है कि एचआर या फिर जो भी कॉलर वाले लोग होते हैं जो आपको फ़ोन करके बुलाते हैं कि इंटरव्यू के लिए आ जाइए, वो भी वहीं पर बैठे होते हैं, तो उनको भी जाते टाइम थैंक यू बोलना है। और उनको ऐसा होना चाहिए कि बंदा आया था उसका इंप्रेशन थोड़ा सा अलग था, ठीक है। कई ढेर सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा हुआ है एक मिस्टेक्स करते हुए, कई कंपनियां आपके पेशेंस को चेक करती हैं, धैर्यता को चेक करती हैं, तो उसके लिए क्या करते हो, वो आपको बोलते हैं कि सिट हियर फॉर 2 आवर्स, आफ्टर दैट सर विल कम एंड देन ही विल गो टेक योर इंटरव्यू। अब बोले ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, सबको पता है कि कंपनीज में लगे हुए हैं कैमरेज वगैरह लगे हुए, कई बार जानबूझ के बैठा दिया जाता है जिससे कि आपके पेशेंस को चेक किया जाए आप कितने धैर्य हो, ठीक है। तो कई लोग क्या करेंगे, वॉशरूम कहाँ है, अच्छा ठीक है वॉशरूम जाओ, कोई बुराई नहीं है, वॉशरूम के बाद कैंटीन कहाँ है वो भी सर्च करने लगते हैं। उसके बाद वहाँ के जो एम्प्लॉई मिल गया कि कौर भाई यहाँ पे इंटरव्यू देने आना हूँ, कैसे है ये कंपनी, थोड़ा सा इंप्रेशन को मतलब अनप्रोफेशनल हो जाते हैं, ठीक है। हो जाना बट बाद में, पहले आप सिलेक्शंस तो लो, ठीक है, वैसे होना नहीं चाहिए, अगर हो भी गया तो बाद में उस टाइम पर थोड़ा एक्सप्रेशन अपना अच्छा रखना है। तो इस तरीके से घूमना नहीं है, वॉशरूम गए चले आइए। उसके बाद जो सबसे बड़े वायरस है आज के टाइम का, मोबाइल फ़ोन आए तुरंत ही बैठे मोबाइल पे, हेलो हाँ मम्मी हाँ पापा हाँ भाई, यार इंटरव्यू देने आया था, लग रहा हो जाएगा, लग रहा नहीं होगा, लग रहा बड़ी भीड़ है यार, ये सब जो हाल चाल है ना ये इस 2 घंटे के बाद पूछ लेना, ठीक है। मोबाइल अगर चलाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, अब चलाना ही पड़ेगा कि 2 घंटे आपके पास है, तो बुक लेके तो आप जाओगे नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें कुछ टेक्निकल पढ़ सकते हो। कैमरे से कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कैमरे फोकस कर लिया गया आप क्या कर रहे हो उस मोबाइल के अंदर, फेसबुक और उसमें वो वाले वीडियोस मत देखो जो आज के टाइम में पॉलिटिक्स में चल रहा है, ठीक है। थोड़े से एथिक्स वाली चीज़ें देखो, और उसके बाद उनको भी लगना चाहिए एक बंदा आया था बड़े वेल मैनर में बैठा हुआ था। चलिए, अब ये सब तो हो गया, आप थोड़ा सा बात करते हो क्लोथ पे, मतलब कि कपड़ों पे। कपड़ों में मेरा मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कपड़ों में, वैसे मैं कपड़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा, बट अभी मुझे लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा सर मतलब ऐसा होता है, तो मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ। फिर हाल कपड़ों के लिए, मैं इंटरव्यू के लिए मैं क्या करता हूँ कि इंटरव्यू के लिए आपका कपड़ा सबसे पहले साफ़ होना चाहिए, साफ़ होने के बाद वो प्रेस होना चाहिए। प्रेस क्यों? क्योंकि डेफिनेटली उससे आपका थोड़ा सा एक लुक बनता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ब्लेजर हो, अगर ब्लेजर है तो और अच्छी बात है, उससे थोड़ा सा लुक आपका इन्हेंस हो जाएगा, आप थोड़े से प्रोफेशनल लगोगे। बट ओवर मत करो, ओवर मतलब क्या होता है, कई लोग एकदम टाई पहन के एकदम यहाँ से गले तक पूरा कर देंगे, एक पता नहीं कौन सी पिन आती है यहाँ पर पिन लगा लेंगे, और कई लोग का वो यहाँ पर भी होता है ना एक कुछ ऐसे रखने उखने वाला, ये सब मैं इसको गंदा वर्ड नहीं बोलूँगा, तो मतलब समझिए कि आपको ये सब नहीं करना है, वेल रहिए बट ओवर मत रहिए, ठीक है। डीओ मारे हैं तो ऐसा चाप रखे हैं कि मतलब सामने वाला इंटरव्यू सोच रहा हम जाएं यहाँ से, इसका जल्दी से भगाएं इसको, नहीं तो हमको उल्टी हो जाएगी। डीओ लगाना है वैसे तो मत लगाइए, मैं नहीं लगाता हूँ, बट आपका मन करे तो थोड़ा सा यूज करिए डीओ जिसकी एक मात्रा हो, ठीक है। इत्र यूज करो तो थोड़ा सा इत्र यूज करो जिसका एक मात्रा हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बॉडी लैंग्वेज को के साथ साथ आपके पर्सनैलिटी को भी इन्हेंस करते हैं। थोड़ा सा लगना चाहिए कि बड़ा जो बंदा है ना ये थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड है, ठीक है। ऐसा महसूस करा के आप आ जाते हो और उनको लगता है कि इस बंदे का ऑरा जो है बहुत बड़ा है, ये कंपनी इसको हायर करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर एक सोसाइटी बनेगी, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर लोग बिहेव करेंगे। अगर ऐसा लगता है तो कंपनी चाहती है ऐसे एम्प्लॉई को हायर करना, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत दाढ़ी वाढ़ी भी सेट कर लेना, अगर सेट नहीं करते हो तो पूरा एकदम क्लीन कर लेना सबसे बेटर है। क्लीन नहीं करते, जब मैं क्लीन करता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं थोड़ी सी रखता हूँ,
उस दिन थोड़ा ड्राई ही को सेट रखना, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, वो अच्छा नहीं लगेगा। और थोड़ा बहुत बाल पे भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको बाल सिंपल होना चाहिए। कई लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हो आप, भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर मैं इस बाल को यहाँ पर ऐसे ऐसे कर लूँ, यहाँ पर रेड कर दूँ, यहाँ पर ब्लू कर दूँ, यहाँ पर ये कर दूँ, तो आप बोलोगे सर ये आप टीचर हो, ठीक है, आप खुद ही कमेंट करने लगोगे। ऐसे ही सेम वहाँ पे होता है, जब कंपनी में कोई बंदा है काम करने के लिए, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर ब्लू है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं ना आज के टाइम पे, तो कंपनी समझती है कि यार ये बंदा आके थोड़ा सा वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म को कम करेगा, ठीक है, तो इसलिए कंपनीज उनको लाइक नहीं करती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। अगर आप इस सीरीज को पसंद कर रहे हो तो नीचे कमेंट करके हमारे उत्साह को बढ़ाना मत भूलना। और साथ ही साथ अगर आपके पास यूनिक सिविल एप्लीकेशन नहीं, आई थिंक आज ऑफर का लास्ट डे है, तो अगर आपने यूज नहीं किया है तो जाइए वहाँ पर फटाफट ऑफर का यूज करिए, यूज कोड हैप्पी होली, और आप पूरा स्ट्रक्चर्स का, पूरा बीम का, पूरा पीवी का कंप्लीट कोर्स वहाँ से सीख सकते हैं। चलिए जय हिंद, जय भारत।